दमा या अस्थमा के बारे में कहते हैं कि ये बीमारी दम निकलने के बाद ही जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि ये बीमारी उन बीमारियों में से एक है जिनके इलाज में काफी लंबा समय लगता है। दमा या अस्थमा को ठीक करने के लिए अभी तक कोई असरदार दवा भी नहीं आई है। चलिए बताते हैं अस्थमा क्या है। ये हमारी श्वसन प्रणाली से जुड़ी बीमारी है जिसे नेचुरल तरीकों से ही जड़ से खत्म किया जा सकता है। पूरी दुनिया में करीब 30 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। वहीं हर साल करीब 2,30,000 लोगों की इस बीमारी से मौत भी हो जाती है। अस्थमा कई बार किसी खास एलर्जी के संपर्क में आने पर हमें खांसी, छींके या नाक से पानी आने को ज्यादा समय तक नजरअंदाज करना घातक साबित हो सकता है। एलर्जी की वजह से सांस की नलियां सूजने लगती हैं, सिकुड़ती हैं और बाद में उनकी भीतरी दीवारें लाल हो जाती हैं। इससे सांस बाहर छोड़ने में दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे फेफड़ों में हवा भरने लगती है। व्यक्ति जल्दी हांफने लगता है। इस स्थिति को ही अस्थमा कहते हैं। ये बीमारी गर्मियों के बजाय सर्दियों में ज्यादा गंभीर हो जाती है। चलिए अब बताते हैं इस बीमारी के लक्षण क्या है। सीने में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, सर में भारीपन लगना, रात में ठीक से नींद ना ले पाना, दिल की धड़कन तेज होना, सदा कफ बने रहे, सफेद गाढ़ा बलगम आता हो, सांस लेने पर घर घर की आवाज होती है। अब बताते हैं आपको अस्थमा का इलाज। अस्थमा में आप इलाज के साथ कई घरेलू उपाय होते हैं जिससे इस बीमारी को कम किया जा सकता है। मेथी के दाने, मेथी को पानी में उबालकर इसमें शहद और अदरक का रस मिलाकर इसका सेवन करें, इससे आपके शरीर को राहत मिलेगी। आंवला पाउडर, आंवला पाउडर में शहद मिलाकर आप खाली पेट इसका सेवन करें। रोज इसका इस्तेमाल करने से अस्थमा कंट्रोल होता है। पीपल के पत्ते, पीपल के पत्तों को सुखाकर जला लें और उसके बाद इसे छानकर शहद में मिलाएं। दिन में 3 बार इसे चाटने से अस्थमा की समस्या कुछ समय में ही दूर हो जाएगी। सौंठ का सेवन, सौंठ, सेंधा नमक, जीरा, भुनी हुई हींग और तुलसी के पत्ते को पीसकर 100 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। इस पानी से अस्थमा की समस्या दूर हो जाएगी। सूखा अंजीर, सूखी अंजीर के 4 दाने रात को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इसे पीसकर खाने से अस्थमा की बीमारी कम हो जाएगी। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान पत्रिका के इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।